जो कल थे वे आज नहीं, जो आज हैं कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं, शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है। ठन गई मौत से, ठन गई, और मौत से आज तक कोई नहीं जीता, अटल जी भी नहीं जीत पाए। कल देश को बेहद दुखद खबर मिली, अटल जी चले गए। देश के महान राजनेता, महान कवि, महान इंसान, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम को 5:05 पर वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज अटल जी की अंतिम यात्रा का दिन है। देश शोक में डूबा हुआ है, हर कोई दिल्ली पहुंचना चाहता है, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है, और सुबह 8 अटल जी का पार्थिव शरीर उनके घर से निकलेगा, बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा सुबह 9, वहां पर अंतिम दर्शन दोपहर 1 तक अटल जी के किए जा सकेंगे। सुबह 8 अटल जी का पार्थिव शरीर घर से निकलेगा। इस वक्त जो अटल जी का पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर है, वहां पर कई लोगों ने कल रात में दर्शन किए, आज सुबह भी कई लोग पहुंच रहे हैं अटल जी के दर्शन करने के लिए, और सुबह 9 बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा अटल जी का पार्थिव शरीर। अटल जी के घर की ये तस्वीर पहली आप देख रहे हैं, और ये अटल जी के अंतिम दर्शन, आखिरी दर्शन करने के लिए आप एबीपी न्यूज पर भी अटल जी के इस वक्त अंतिम दर्शन कर रहे हैं, और जो लोग उन्हें जानते हैं वो खुद उस जगह पर जाना चाहते हैं और आखिरी बार अटल जी के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें देख भर लेना चाहते हैं। और जो लोग नहीं भी जानते उनमें भी उतनी ही उत्सुकता है, उनमें भी उतना ही दुख है, वो उतने ही दुख में डूबे हुए हैं कि अटल जी जैसे महान नेता चले गए और एक तरह से अटल युग का अंत हो गया। अटल जी सरीखे नेता इस वक्त तो कोई मौजूद नहीं है, उस तरह के नेता बहुत मुश्किल से बनते हैं। अभी पार्थिव शरीर उनके घर 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर है। कल रात भर अटल जी को बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि विपक्ष के नेता भी वहां पहुंचे, और सुबह 8 पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा। सुबह 9 तक पहुंचेगा और 9 पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा, फिर अंतिम दर्शन सुबह 9 से दोपहर 1 तक बीजेपी दफ्तर में हो पाएंगे, और उसके बाद 1 अटल जी की अंतिम यात्रा शुरू होगी। स्मृति स्थल में अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक यात्रा जाएगी और वहीं पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे अटल जी। शाम 4 अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अभी अटल जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर दिल्ली के 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर रखा गया है, जहां कल रात कई नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो कई नेता कल अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। नेताओं का तांता लगा रहा अटल जी के घर 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, लालकृष्ण आडवाणी को भी आप देख रहे हैं इस 5वीं तस्वीर में, तो तमाम नेता अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, और ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कई नेता वहां पहुंचे। चूंकि कोई भी हो, आप किसी को भी देखेंगे, आप किसी को भी अटल जी का विरोध करते हुए नहीं देखेंगे, यही उनकी खासियत थी, यही उनकी खासियत थी। अटल जी को आप सुनेंगे, उनकी बात को आप सुनते थे, उनके भाषण सुनते थे, उनकी कविताएं सुनते थे,
वो विरोध भी अगर किसी का करते थे तो एक संयम से करते थे। और ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6A कृष्ण मेनन मार्ग अटल जी के घर पहुंचे और अटल जी को उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के लिए अटल जी का पार्थिव शरीर सीधे एम्स से उनके घर ले जाया गया और कल दिन भर स्थिति ऐसी बनी रही कि सबकी सांसें अटकी रही। सब चाहते थे कि अटल जी थोड़ा और जी लेते। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अपने हर भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री तकरीबन याद करते आए हैं। और इस बार भी कश्मीर नीति को लेकर जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में हम अटल जी की नीति को ही आगे बढ़ाएंगे। तो अटल जी के कई ऐसे किए काम है प्रधानमंत्री रहते हुए जो आज एक लकीर की तरह है, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाथों में गुलाब के फूल की पंखड़ियां लेकर ये चढ़ाते हुए अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए। चूंकि हर नेता के मन में कोई ना कोई स्मृति है अटल जी को लेकर, चूंकि ये वो लोग हैं, भले ही वो वेंकैया नायडू हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रामनाथ कोविंद हो या फिर बीजेपी के और कद्दावर नेता, उन्होंने अटल जी के साथ काम किया है। वो अटल जी के कार्यशैली को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो अटल जी का विरोध करता हो। अटल जी कहा करते थे कि विचारों में भिन्नता होती है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम नफरत करें। और ये तस्वीरें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और इस वक्त अटल जी के घर के बाहर 6A कृष्ण मेनन मार्ग से मेरे साथ मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़ गए हैं और साथ ही बीजेपी मुख्यालय से रविकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, चूंकि लोगों के आने का सिलसिला अटल जी के घर पर कल शाम से ही चल रहा है जब से उनका पार्थिव शरीर एम्स से पहुंचा है, अभी सुबह कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अटल जी से, अटल जी के आखिरी दर्शन करने के लिए? देखिए ज्योति, रात तकरीबन 1 या 2 बजे तक तमाम नेताओं का जो है सिलसिला चलता रहा और 2 बजे तक जाकर वो थमा। आपको बता दें तमाम बड़े नेता आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे, चाहे तमिलनाडु से स्टालिन हो या बिहार से आरजेडी के प्रतिनिधि रहे, और उससे पहले तमाम बड़े नेता रहे। और आम लोग तो एक तरह से भीड़ यहाँ 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर लगातार लगी रही, और अब जब सुबह हुई है तो सुबह भी लोग पहुँचना शुरू हुए हैं और आखिरी दर्शन करना चाहते हैं अपने एक बड़ी शख्सियत का, जो उन्होंने अपना मुकाम बनाया था सियासत में। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पर, आप देखेंगे तो सुरक्षा तो मजबूत है ही। आपको बता दें कि जो शेड्यूल के मुताबिक करीब 9 बजे उनको यहाँ से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। 6A कृष्ण मेनन मार्ग से उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और अकबर रोड, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुए पार्टी दफ्तर तक पहुंचेगा। आपको बता दें अब हमारे साथ यहां पर कुछ लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो मिलने के लिए। आप बताइए आप कहां से आए, क्या नाम? मैं योगेश कुमार मेरा नाम है जी, और उत्तरकाशी से मैं आ रखा हूं। अच्छा, मुझे जब कल पता लगा अटल जी का तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैं 1984 से अटल जी से जुड़ा हूँ। अच्छा। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब अटल जी 1984 में गंगोत्री आए थे तो मैंने अपने हाथों से उनको खाना बना के खिलाया, और उन्होंने मुझे वहाँ का मैनेजमेंट देखकर मुझे अपने हाथों से 125 रुपये की पर्ची काटकर मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। और जैसे ही मुझे कल पता लगा अटल जी का देहांत हुआ और मैं कल चला, और उन्होंने मुझे गंगोत्री में 1984 में बोला था कि तुम जब भी आओ मेरे को मिलने, मेरे लिए गंगोत्री का जल जरूर लाना। आखिरी दर्शन हुए अभी, आपने कोशिश किया क्या? हाँ, बस अभी मैंने समय ले रखा है, उन्होंने कहा मैं अभी फोन करके बुलाते हैं। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रात से जुटे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं मिलने की। सर आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए आप पहुँचे? सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ अपनी तरफ से, सारे भारत की जनता से। मैं तकरीबन रात को 2 बजे आया था और ये सोच कर आया था कि सुबह कुछ लोग गर्मी में आएंगे और उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी। अच्छा, पानी की व्यवस्था के लिए मैंने पानी का टैंकर मंगाया,
जो कि अभी तक मुझे कहीं लगाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। मेरी सबसे निवेदन है कि मुझे पानी लगाने की टैंकर लगाने की इजाज़त दी जाए। पानी का टैंकर लगाना चाहते हैं और जहाँ जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके उनको उनकी सेवा के लिए आप बताइए। आप यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी देर से यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं आखिरी दर्शन की, आप कहाँ से आया है आपका ग्रुप और क्या आपकी स्मृति है जो वाजपेयी जी से जुड़ी हुई है और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हम लोग UPSC एस्पिरेंट हैं, यहीं मुखर्जी रहकर IAS का तैयारी करते हैं। हम रात को 1:30 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तक जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं वो भी अटल जी के अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में रहते। रविकांत के पास चलते हैं, बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद है। रविकांत, अब अटल जी के घर से जो उनका पार्थिव शरीर है वो पूरी जो उनकी अंतिम यात्रा रहेगी, पहले बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा फिर उसे स्मृति स्थल ले जाया जाएगा। अभी बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर पार्थिव शरीर कई घंटों के लिए रखा जाएगा? देखिए यहाँ पर चूंकि एक कृष्णा मिलन मार्ग पे अभी पार्थिव शरीर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो तैयारी में जुटे हुए लोग हैं वही दिख रहे हैं। अंदर बीजेपी मुख्यालय के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उससे संबंधित जितनी तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसको देखने में लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। आसपास का माहौल ऐसा है कि भजन बज रहे हैं, बजाया जा रहा है और लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे हुए हैं, उसमें भजन की आवाज़ें आ रही हैं और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े बड़े कटआउट चारों ओर लगे हुए हैं और लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूँ ये लिखा हुआ है उस पर। जी बिल्कुल, ये वो अटल हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाया है, बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं जो भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े रहे। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं अटल जी के घर 6A कृष्ण मेनन मार्ग से, ABP न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता, लोक नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच नहीं है। दोपहर 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होते हुए राष्ट्रीय स्मृति स्थल पहुंचेगी, उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूं इसे कहते हैं गन कैरेज। ये गन कैरेज आर्मी की तरफ से बनाया जाता है और ये विशेष होता है और ये सिर्फ VVIP लोगों के लिए बनाया जाता है। जब उनका निधन होता है तो उसके बाद उनके पार्थिव को इसी प्रकार इस गन कैरेज में डाला जाता है और उसके बाद उस पार्थिव के इस गन कैरेज में उनके पार्थिव को रखकर जो है वो अंतिम यात्रा शुरू की जाती है। और ये आर्मी का विशेष ट्रक है, आप यहाँ देख सकते हैं आर्मी के इस विशेष ट्रक को फूलों से सजाया गया है। आर्मी के अधिकारी जवान यहाँ पर हैं और यही अधिकारी और जवान अटल बिहारी वाजपेयी इनके पार्थिव देह के साथ इस गन कैरेज के साथ उस यात्रा में चलेंगे, यात्रा करेंगे। करीब 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर तक की वो अंतिम यात्रा होगी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आने की उम्मीद है, अपेक्षा है और इसी वजह से तैयारियां पुलिस बंदोबस्त हो या दूसरी तैयारियां हो वो पूरी की गई हैं। 2 ट्रक सजाए गए हैं, ये एक स्टैंड बाय ट्रक है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जिसको फूलों से सजाया गया है। अगर आगे जाकर इस ट्रक जो ये गन कैरेज को लेकर अपने साथ चलेगा उसमें किसी तरह की जो है जो अगर कोई समस्या आती है, बंद पड़ता है तो इस ट्रक का इस्तेमाल फिर उसको किया जाएगा, इसलिए 2 ट्रक साथ साथ चलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आर्मी के ये अधिकारी जवान जो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये फूलों से इस ट्रक को, इस गन कैरेज को सजाया है, वो भी इसके साथ चलेंगे। आप देख सकते हैं विशेष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रक को जुड़ा हुआ है और ये जो व्हील है जो इसको अगर नीचे करते हैं तो इस नीचे करने के बाद उनके पार्थिव को इस पर रखा जाएगा, बाद में इसे वापस ऊपर किया जाएगा और ऊपर से इसको ढका जाएगा ताकि जब अंतिम यात्रा होगी लोग उस पर फूलों की वर्षा करेंगे तो उसमें पार्थिव को किसी तरह कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसको ढका जाएगा, ऐसी जानकारी है। और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे जिस मान सम्मान आदर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी अपना जीवन वो उन्होंने व्यतीत किया उसी मान सम्मान आदर के साथ उनको आखिरी विदाई देने की तैयारियां यहां हो रही हैं। कृष्णा मेनन रोड में पर हूं, यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जानकारी यह है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम बिहार, कई जगहों से, कई राज्यों से लोग यहां आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन लेने के लिए, इसीलिए हजारों की संख्या में पुलिस दल भी तैनात किया गया है। और चाहे वो राष्ट्र स्मृति स्थल हो, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो, चाहे वो कृष्णा मेनन रोड हो और वो रूट जहां से उनकी अंतिम यात्रा होगी, और उसके लिए ये तैयारियां यहां पूरी हो गई हैं। इस गन कैरेज को सजाया गया है फूलों से, सफेद फूल यहां लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स,
वायुसेना और नेवी, इन तीनों के अधिकारी और जवान उनके पार्थिव के साथ रहेंगे, उनके परिवार के लोग रहेंगे, दूसरे मान्यवर पार्टी के नेता रहेंगे, ऐसी जानकारी है। और जिस आदर के साथ, जिस सम्मान के साथ, जो सम्मान उन्हें मिला उसी आदर सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जाएगी, जिसकी तैयारियां यहाँ पूरी हो गई हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, सेना के ट्रक पर ही अंतिम यात्रा अटल जी की निकलेगी। हर कोई दिल्ली पहुंचना चाहता है उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। क्या कुछ होने वाला है आज? अभी पार्थिव शरीर अटल जी के घर 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर है। उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बीती रात अटल जी को बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और आज सुबह 8 बजे पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय जाएगा और फिर 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और फिर वहीं से ही बीजेपी दफ्तर में सुबह 9 से 1 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे आमजन। और फिर दोपहर 1 बजे अटल जी की अंतिम यात्रा शुरू होगी और अटल जी की अंतिम यात्रा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक होगी। अंतिम संस्कार जो है वो शाम को 4 बजे अटल जी का किया जाएगा। स्मृति स्थल पर अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये कल की तस्वीरें जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बेहद ही करीबी अटल जी के लालकृष्ण आडवाणी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और बीच में आप देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तो कल बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। ना सिर्फ सरकार से जुड़े केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, बीजेपी के बड़े नेता तो थे ही, साथ ही विपक्ष के भी तमाम नेता अटल जी के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। और आज अटल जी की अंतिम यात्रा का दिन है। वो कितने चर्चित थे, उनकी कितनी लोगों में पैठ थी, लोग उन्हें कितना चाहते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरा देश सन है, पूरा देश दुखी है। और अटल जी की अंतिम यात्रा की इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं और ये अंतिम दर्शन आप अटल जी के इस वक्त कर रहे थे, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और सभी आखिरी बार अटल जी की इस तस्वीर को देख लेना चाहते हैं, एक बार अपने नेता को आखिरी बार निहार लेना चाहते हैं। और अटल जी के पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता रवि कांत की रिपोर्ट। हम बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर हैं, जहां पर जो केंद्रीय हॉल है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रखा जाना है। ये पूजा पूरा जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर का के अंदर का कंपाउंड है, ये भीतरी कंपाउंड है। और इस भीतरी कंपाउंड के अंदर जो एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ा सा जो कटआउट एक लगा हुआ और एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, और जिसके सामने पार्थिव देह को रखा जाएगा और आसपास फूलों से सजाया गया है और अंदर काफी ज्यादा फूलों का जो डेकोरेशन है वो किया गया है और उसमें पार्थिव देह को रखा जाएगा और जो दर्शनार्थी आएंगे उनको एक एक कर क्यू में लगा करके और दर्शनार्थी अटल बिहारी वाजपेयी का, अपने पूर्व प्रधानमंत्री का दर्शन कर सकेंगे, उनके समर्थक यहां पर जुटेंगे। इसलिए जो तादाद है उनकी, उसको देखते हुए सुरक्षा का भारी बंदोबस्त यहां पर किया गया है। कैमरामैन अमरजीत के साथ रवि कांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और देखिए लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह से अंतिम यात्रा अटल जी की निकलेगी। और अब से कुछ ही देर बाद, चूंकि 6:30 बज चुके हैं, 8 बजे जो अटल जी का पार्थिव शरीर है वो बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर किए गए हैं। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चूंकि यहीं पर ही सुबह 9 बजे से पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये वो रास्ता है कि 6A कृष्ण मेनन मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक किस तरह से जो अटल जी का पार्थिव शरीर किन किन रास्तों से होकर गुजरेगा। देखिए 6A कृष्ण मेनन मार्ग यहां से अकबर रोड से होता हुआ वो इंडिया गेट तक पहुंचेगा,
फिर इंडिया गेट से तिलक मार्ग, आईटीओ और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और फिर बीजेपी मुख्यालय। तो सुबह 8 बजे से ये यात्रा निकलेगी बीजेपी मुख्यालय तक। अब देखिए सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम बीजेपी मुख्यालय पर किए गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में हम हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को लाया जाना है। यहां करीब 10 बजे पार्थिव शरीर पहुंचेगा और जो तैयारियां हैं वो यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है। यहां पर जो मेटल डिटेक्टर है वो लगाए गए हैं और उसके अलावा जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो लगातार उनकी ब्रीफिंग चल रही है। इस समय एसपीजी और उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उनकी अलग अलग मीटिंग हो रही है और पूरे बीजेपी दफ्तर में तफ्तीश हो रही है, छानबीन हो रही है। हालांकि कई राउंड में ये छानबीन हो चुकी है लेकिन लगातार जो दल है सुरक्षा का वो गश्त कर रहा है और एक एक चीज पर पैनी निगाह है। अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें लगी हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं जिस पर लिखा हुआ है लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, शत शत नमन। इस तरह से जो यहाँ का माहौल है वो उसमें जो तैयारियां हैं उसके अलावा सुरक्षा की तैयारी सबसे अहम है। और आपको बता दें कि इस पूरे बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का जो मध्य भाग है वहाँ एक बड़ा सा हॉल है, केंद्रीय हॉल है, जिसमें काफ़ी तैयारियां की गई हैं और काफ़ी सजावट की गई है। उसी जो केंद्रीय हॉल है उसी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा बीजेपी मुख्यालय में जो तैयारियां हैं वो किस तरह से पूरी हो चुकी है और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और 8 बजे कृष्ण मेनन मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक अंतिम यात्रा होगी। और ये देखिए अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। लोग एक बार देख लेना चाहते हैं अपने नेता को, लोग पहुंच भी रहे हैं वहां पर। और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यानी कि ठीक करीबन 15 मिनट बाद 6-1 कृष्ण मेनन मार्ग जो कि अटल जी का घर है वहां पर अंतिम दर्शन हो सकेंगे सुबह 7 से 8 बजे तक। और फिर 8 बजे अटल जी का पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा। और ये रास्ता भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस रास्ते से होकर गुजरेगा उनकी ये जो अंतिम यात्रा बीजेपी मुख्यालय तक। फिर बीजेपी मुख्यालय में अटल जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर 6-1 कृष्ण मेनन मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह से ही खड़े हुए हैं। सुबह से भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जावेद की, वहां पर लोग रात भर मौजूद थे, अटल जी को देख लेना चाहते थे, उनके अंतिम दर्शन कर लेना चाहते थे। चूंकि लोगों ने सुना बहुत है अपने इस महान नेता के बारे में, ये अंतिम दर्शन एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप कर रहे हैं अटल जी के। ये वो आखिरी तस्वीर है, चूंकि एम्स में पिछले 66 दिनों से अटल जी भर्ती थे, उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, 3 दिन तक आईसीयू में रहे चूंकि उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। और फिर कल शाम को 5:05 पे उन्हें मृत घोषित किया गया। और अटल जी को इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।